बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5,00,000 नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन कौन कौन सी खबरें रहने वाली है वो आपको दिखा देते हैं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी पर एक बार फिर से अमित शाह किस तरह से विफल गए हैं और बड़ा निशाना उन्होंने साध दिया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू में भी रैलियों को संबोधित किया है और किस तरह से अपनी बात रखी वो आपको दिखाएंगे। अगली खबर आप देखेंगे कि तरुण चुग ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर किस तरह से तीखा हमला बोल दिया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर किस तरह से कटाक्ष कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी झारखंड पहुंचे और वहां पर उन्होंने किस तरह से अपनी बात रखी ये आपको दिखाएंगे। अगली खबर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड का दौरा आज किस तरह से रहा। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे बिल्कुल भी देरी न करते हुए बड़ी खबर के साथ ही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर एक बार फिर से जमकर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही दल 370 को वापस लाने की फिराक में हैं, लेकिन उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि 370 को अब कोई वापस नहीं ला सकता। चेन्नई विधानसभा में आज एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि एनसी, कांग्रेस और पीडीपी जम्मू कश्मीर के अंदर यहां दोबारा आतंकवाद का दौर शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जल्दी से आपको दिखा देते हैं उनका क्या कुछ कहना था। अब मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को दो प्रधान दो निशान समाप्त कर दिए हैं, समाप्त। और जानते हो ना राहुल बाबा को भाई, एनसी और राहुल बाबा कहते हैं हम धारा वापिस लाएंगे, कश्मीर का झंडा वापिस लाएंगे। मैं इस मंच पर से कह देता हूं चनेनी वालों, मैं इस मंच से राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, राहुल बाबा आप क्या पीढ़ी की ताकत नहीं है 370 को वापिस। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस एनसी पीडीपी ने ये पूरे जम्मू कश्मीर को रोकने का काम किया। 40-40 साल तक आतंकवाद चला, 40,000 लोग मारे गए। ये 35-40 साल में 3,000 दिन कर्फ्यू रहा, हर रोज ये पाक प्रेरित आतंकवादी बम धमाका और गोलियां चलाते थे। मोदी जी की सरकार आई, धारा 370 गई, ना पत्थरबाजी हो रही है, ना बम धमाके, ना गोलियां। एनसी, पीडीपी, कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लाना चाहते हैं। मैं बता कर जाता हूं उमर अब्दुल्ला, आपकी जो इच्छा हो, आतंकवाद को हम पाताल तक गहरा दफन कर ही दम लें। किसी की ताकत नहीं है। जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद फिर से आए, केंद्र में हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी। मैं कल राहुल बाबा को देख रहा था, उमर साहब और राहुल बाबा कह रहे हैं हम स्टेट छोड़ देंगे। अरे भाई, मैंने धारा 370 हटाई तब देश की संसद में वादा किया है कि हम चुनावों के बाद जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर से देने का था। अब जो हमने कह दिया,
मोदी जी ने भी जम्मू और कश्मीर दोनों जगह सभाओं में कहा है आप क्या दोगे कैसे दोगे, स्टेटहुड तो भारत की संसद दे सकती है और वहां मोदी जी का राज है। मोदी जी का भाइयों बहनों जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जरूर मिलेगा मगर देंगे तो नरेंद्र मोदी देंगे, नरेंद्र मोदी। अब आप कुछ भी करो हम आतंकवाद को वापिस नहीं लाने। कल उमर अब्दुल्ला जी और राहुल बाबा कहते थे हम कश्मीर में लोकतंत्र लाएंगे। अरे किस मुंह से आप, 70-70 साल तक कश्मीर के लोकतंत्र को ये तीन परिवारों ने बांध कर रखा, अब्दुल्ला परिवार, गांधी परिवार और मुफ्ति परिवार। मुझे बताओ भाइयों बहनों अब आपके यहां पंच सरपंच भी है, ब्लॉक के चुनाव भी हुए, जिले के चुनाव भी हुए, पहले होते थे क्या? जोर से बोलो होते थे। मोदी जी ने 40,000 जन प्रतिनिधियों को लोकतंत्र का फायदा पहुंचाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी, ये तीन परिवारों ने अपने चट्टे बट्टे को टिकटे देकर सिर्फ 87 विधायक बनाए, हमने 30,000 से ज्यादा पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत बनाई और इन्होंने जो भ्रष्टाचार की गंगा बनाई थी उसको नीचे तक से सफाई करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे देश की संसद पर हमला जिसने करवाया वो अफजल गुरु को फांसी देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए, जोर से बोलो देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए। ये एनसी कांग्रेस कहते थे अभी अभी बोले हैं कि अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में 5 जनसभा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी पर फिर से यहां पर किस तरह से जनसभाओं में इन पर निशाना साधा है, यानी कि लगातार अमित शाह जो है वो इन पार्टियों पर विफरते नजर आए। बड़ी बातें उन्होंने कह दी, चुनावों के दौरान यूटी को राज्य का दर्जा लौटाने का काम यहां पर भारतीय जनता पार्टी का है, ये बड़ा ऐलान कर दिया गया। तीनों दलों को आतंकवाद फैलाने के लिए किस तरह से जिम्मेदार ठहरा दिया है, ये बड़ी बातें कही गई। बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से अमित शाह आप देखिए अपनी बात किस तरह से रख रहे थे। एक बड़ा निशाना यहां पर साधा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर को लूटा है और आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी जिम्मेदार ठहराते हुए यहां पर अपनी बात को रखा। राहुल गांधी ने अभी अभी बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में बाहर वाले राज कर रहे हैं, तो उनका इशारा हमारे उपराज्यपाल की ओर है। राहुल बाबा आपको जो भाषण लिख कर देते हैं उनको सच नहीं बता, और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन अगर किसी पार्टी ने डाला तो यहाँ कांग्रेस ने डाला। राहुल गांधी की दादी के पिता जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान को देने का काम किया। 70 साल तक इन दोनों कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को लोकतंत्र से दूर रखा। पीएम मोदी आए, अब पंच सरपंच की जीत हो रही है, ब्लॉक के चुनाव हो रहे हैं और जिले के अंदर भी चुनाव हो रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में लोग लोकतंत्र से चुनकर राज कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी अभी बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में बाहर वाले राज करें, उनका इशारा अपने एलजी साहब की ओर है। राहुल बाबा आपको जो भाषण लिख कर देते हैं ना वो आपको सच नहीं बताते। भाइयों बहनों जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन अगर किसी एक पार्टी ने डाला है तो वो कांग्रेस ने डाला है, कांग्रेस ने डाला है। आप हमें कह रहे हो और मनोज सिन्हा जी तो भारत के हैं, राहुल बाबा आपका दादी के पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी ने
कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान को देने का काम किया है। आपको जम्मू और कश्मीर माफ नहीं कर सकता। और मैं बता रहा हूं राहुल बाबा, हम तो वो पार्टी के कार्यकर्ता है जिसका नारा है जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर, जोर से बोलो जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर, वो कश्मीर हमारा है जो सारे का। आपने पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया। भाइयों बहनों, 70 साल तक ये दोनों पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को लोकतंत्र से दूर रखा। मोदी जी आए, अब पंच सरपंच भी जीत रहा है, ब्लॉक के चुनाव हुए, जिले के चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर के 30,000 से ज्यादा लोग लोकतंत्र से चुनकर अपना राज कर रहे हैं। मुझे बताओ भाइयों बहनों, कांग्रेस एनसी की सरकार में पंच सरपंच के चुनाव होते थे क्या? अरे जोर से बोलो, होते थे। ब्लॉक के चुनाव होते थे, जिले के होते थे। ये चुनाव कराने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। अरे आपने तो हमारे युवाओं के हाथ में बंदूकें थमा दी, मशीन गने थमा दी। उमर साहब, मैं भी आज यहां पर कहकर जाता हूं कि हम भी हमारे युवाओं के हाथ में बंदूक और मशीन गन थमाएंगे। मगर आपने तो आतंकवाद की तबाही, हम इस एरिया से स्पेशल भर्ती कर सेना और सुरक्षा पर। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए जेके 24/7 न्यूज के साथ। मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है, अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, महाराजा हरी सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1,000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास, शांति स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।